भैया रैम खाले सिंगल लॉन्डॉप है साले, हिचकी आने लगी होंगी तुझे अब रातों को। मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसी तू हरकतें कर रहा है ये। कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, किसी और कहूं फिलहाल तेरा हो जाऊं। अबे भड़वाई किसका है उसका रे, इधर उधर मुंह क्यों मारता फिर रहा है? अबे साले, सबसे पहले तू मुझे ये बता, तू है किसका? नहीं मतलब किसकी इतनी खराब किस्मत लिखी है भगवान ने कि तू भी किसी का है? जिसकी भी किस्मत में लिखा होगा स्वर्गीय टट्टी से लिखा होगा एकदम। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे गाना बहुत पसंद था, मैं दिन में 2-4 बार सुन लेता था, लेकिन अभी इसकी आवाज में ये गाना सुनने के बाद मैं सरकार से दरखास्त करना चाहता हूँ कि मुझे और इन सबको मुआवजा मिलना चाहिए। कान फाड़ ये भाई, इतना गंदा कौन गाता है? अगर नहीं आता गाना तो मत गाओ, और अगर गाओ तो सुरीला गाओ। यार इमेज भाई से लेके जाओ यहां से। ए भोसड़ी के, प्लीज डोंट टच मी, आई एम सेलिब्रिटी नाउ। तो भाइयों और उनकी बहनों, भैंचुत पुराना जोक हो चुका है, बार बार इसे नहीं मारूंगा। तो दोस्तों, अगर तुम इन महाशय को नहीं जानते तो तुम कुछ नहीं जानते। ये महाशय इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। यू डोंट नो मी, मी KRK, जिस इंडस्ट्री में तुम काम करते हो ना, उसका मैं सुपरस्टार हूं। ये है सुपर स्टार कमाल आर खान, जिनकी एक्टिंग और बिहेवियर देख के इन्हें एक बार बाल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन इस वाले को वो इज्जत रास नहीं, इन्हें अवार्ड लिया ही नहीं। ये आपके लिए सर, बाल्टी अवार्ड, गोल्ड बाल्टी अवार्ड, गोल्ड बाल्टी अवार्ड, प्लीज होल्ड द गोल्ड। तुम दोनों जोकर्स ने अपने औकात दिखा दी। अरे यार, है ना, मतलब ₹2 के जो जोकर रहते हैं वो जोकर ही होते हैं, जोकर ही रहेंगे जिंदगी भर। टीवी अवार्ड्स हैं तो किसी टीवी वाले को तो बाल्टी अवार्ड्स, वो जो भी डिजर्व करता है, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है टीवी से, मेरा क्या लेना देना। अबे साले भोसड़ू, तेरा इस दुनिया से ही कुछ लेना देना नहीं है, तू साले कई और प्लेनेट से आया, एलियन है तू, एलियन। ये आप डिजर्व करते हो सर। ये बाल्टी अवार्ड लूंगा मैं, हैं? मुझे लोड़ू अवार्ड चाहिए, लोड़ू अवार्ड। मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता है बाल्टी अवार्ड। मुझे या तो लोड़ू अवार्ड दो या फिर महाचूतिया अवार्ड दो। बाल्टी अवार्ड दे रहे हैं यार, बताओ। नहीं गाइस, कसम से इसकी हरकतें देख के इसे लोड़ू या फिर महाचूतिया अवार्ड ही देना चाहिए, बाल्टी अवार्ड के भी लायक नहीं है ये। और दोस्तों, आप ये मत समझना कि इस इंसान की चूतिया जैसी शक्ल है फिर भी इसमें इतनी अकड़ क्यों है, ये बस कैमरे के आगे चूतिया दिखते हैं, असल लाइफ में बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़े चूतिया दिखते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये बंदा कह रहा है, कमेंट में कहिए इसने इस वीडियो के नीचे। और इसके साथ ये 1600 बंदों ने भी माना है। और सुपर स्टार कमाल आर खान की एक मूवी भी आई थी देशद्रोही, जिसे देख के पब्लिक बहुत ज्यादा पागल हुई। और भाई मजा ले किसी की, जिसने आज तक वो पूरी मूवी देख लियो, भैंचो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी उठ के आ गए होंगे बीच में से, कह रहे होंगे अरे इसकी माँ की, इनने तुम्हारे पैसे डुबो दिए, अरे पैसे कहाँ से आएंगे हमारे वापस। नहीं, शायद ही उस मूवी का प्रोड्यूसर खुद था, अरे हमें क्या लेना, किसी ने नहीं देखी पूरी, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ अगर तुम वो पूरी मूवी देख लो तो यूट्यूब पे पढ़िए जाके देख लेना, अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की मौत हो जाए। देखो मुझे दिक्कत इनकी मूवी और इनकी हरकतों से नहीं है। अच्छा, तो सकल से है क्या? सकल से ना, ना उससे सकल से भी नहीं है, मुझे दिक्कत है इनके रिव्यू से। तो आजकल ये जो है फिल्म और फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करते हैं, और भैया रिव्यू के नाम पे ऐसा हकते हैं ना, ऐसा हकते हैं ना कि तुम सुबह सुबह अपने संडास में ऐसा नहीं हक सकते जितना ये हकते हैं। हकते हैं बहन की आंख, इसके लिए इज्जत कैसे निकल रही है मेरे मुंह से। आज गुड न्यूज का ट्रेलर रिलीज हुआ है, चलो देखते हैं और इस ट्रेलर को रिव्यू करते हैं। शुरू होता है, अक्षय और करीना बैठे हैं और डॉक्टर जो है उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछ रहा है। हिलेरियस सीन है, जबरदस्त सीन है, वाह क्या टांगे उठाई हैं करीना जी ने, क्या टांगे उठाई हैं करीना जी ने, वाह बहनचोद वाह। साले अगर तैमूर ये रिव्यू देखेगा ना तो तेरी गाड़ में घुस के बैठ जाएगा और निकलेगा नहीं जब तक तू नागिन डांस नहीं करेगा बेटी चोद, और सैफ तेरा लंड का सीख कबाब बना के खा जाएगा। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। चोद कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ मैं गंदी बातें नहीं कर रहा हूँ, इसकी शकल देख के मुझे गंदी गंदी बातें याद आ रही है।
तैमूर गांड में घुस के बैठ जाएगा। गिल्ली डंडा भी खेलेगा फिर अंदर घुस के साले तैमूर, अगर तू ऐसी ऐसी बातें करेगा तो। क्या टांगे उठाई हैं करीना जी ने। अब आ गए हैं ये डॉक्टर के पास। तो इनको बच्चा चाहिए सरोगेसी से। ये लो जी, अब इधर दिलजीत और कियारा भी आ गई है। अरे चोदू भगत, हम तो चूतिया, भगवान ने हमें तो आंख दी नहीं, तुझे आंख दी है बस। साले हमें नहीं दिख रहा क्या हो रहा है, बोले जा रहा तब से साले रिव्यू के नाम पे कमेंट्री कर रहा, वो भी इतनी गंदी सी। अब तुझसे ज्यादा टैलेंटेड तो वो है, वो टिकटॉक का वो जो है लौंडा जो लौंडिया बन जाता बाद में, मॉन्टी रॉय। मॉन्टी रॉय, अब तुम ये कमेंट नहीं करना कि मॉन्टी रॉय पे वीडियो बना दे। भाई मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ बहुत पहले, और मैं उस पर और वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसे देख के मेरा रन खड़ा हो जाता है। ये बोलना नहीं था। नहीं भाई, मजाक सेट के उसकी हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो दिन बे दिन क्या बोलूं उस पे, क्या कहते हैं, सुंदरता की परी चढ़ती जा रही है। शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मेरा तो जो भी है तू ही था, तू ही है। यार रहम खाले सिंगल लौंडो पे, साले हिचकी आने लगी होंगी तुझे अब रातों को। मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसी तू हरकतें कर रहा है ये। और भैया केआरके जी, और भैया केआरके जरा ढंग के रिव्यू बना लिया कर यार, नहीं तो तुझे किस दिन पकड़ के ना कोई जलती तेल की कढ़ाई में फेंक जाएगा। तुझे भी तो पता लगना चाहिए ना तेरे रिव्यू देख के लोगों की गांडे कैसे जलती हैं, तेरी जलेगी तब तुझे पता चलेगा। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। और दोस्तों अब जरा मार पिटाई की बातें चल रही है तो हम उनकी बात कर लेते हैं जिनका पिटाई से बहुत ही ज्यादा पुराना नाता है। जब भी उन्हें लगता है कि उनका फेम कम होता जा रहा है, लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं, कहीं पे भी जाते और अपनी गांड तुटवा लेते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दीपक दलाल की। बदलले हैंचो, दीपक दलाल को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं बेड पे क्यों चढ़ गया, मॉन्टी रॉय को करने के लिए चढ़ना चाहिए तो भोसड़ी के। तो गाइस अभी रिसेंटली दीपक दलाल की मेट्रो में पिटाई हुई है, और तुम लोग ना मुझे वो वीडियो स्पैम कर करके भेज दिया कि इस पे वीडियो ना, इस पे वीडियो बना। भाई मुझे जहां तक वो वीडियो देख के लगा कि वो स्क्रिप्टेड है, बट फिर भी हम उसे एक बार देख लेते हैं। इस तरह से मैंने तुम्हें जानता नहीं हूं मैं, और इस तरह से आके तुम मेरे साथ सेल्फी ले रही हो। डोंट यू नो कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं यहां पे। सबसे पहले तो इस लड़की को पकड़ के मारो कि भेंचो दीपक कलाल के पास तो सेल्फी लेने गई, इतने बुरे दिन आ गए तेरे, इतने बुरे दिन। और भेंचो मुझे कोई ये बताएगा कि ये लौंडे लौंडिया मेट्रो में मजे लेने कब बंद करेंगे, इधर लड़ाई चल रही है यहाँ ये अपने मजे में मस्त है। पहले एकदम फेविकोल से चिपक के खड़े हुए हैं मजबूत जोड़ की तरह, लैंडी तोड़ो पे कोई। बट मेरी जिंदगी है, मेरी प्राइवेसी है, मेरी प्राइवेट लाइफ है। ये तो लौंडा और लौंडा ही है। चलो कोई नहीं, रूल आ चुका है, मर्जी भाई तुम्हारी, लगे रहो, पूरी राइट है तुम्हारे पास। You don't have any right for you to take my selfie and that too without my permission. Excuse me. Permission. Excuse me. अरे यार एक ही थप्पड़ मार के छोड़ दिया, पर मारा तो थोड़ा तेज मारना चाहिए था यार। बदल ले। दो गाइस जहां तक मुझे लगता है वीडियो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि अभी ये लौंडिया जब कैमरे के इधर को घूमती है तो हंसती है, और इतनी जल्दी किसी का मूड स्विंग नहीं होता। मैंने माना लड़कियों का मूड जल्दी स्विंग हो जाता, लेकिन इतनी जल्दी नहीं भैया। और भाई दीपक दलाल की मर्जी यार, वो सेल्फी देना दे, उसकी मर्जी है वो, ऐसे तुम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभी मैं ऐसे किसी लड़की के पास जाकर उसे पकड़ के कहने लगूं कि मुझे तुम्हारे साथ फोटो लेना है, तो भाई ऑब्वियसली वो मुझे पकड़ के मारेगी, चार गौर बुला के मेरी गांठ तुटवा देगी। प्लीज भोसड़ी के डोंट टच मी, आई एम सेलिब्रिटी नाउ। वैसे गाइस ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग कहीं रानू मंडल की कॉपी तो नहीं कर रहे थे, मे बी लौंडो, मे बी हो सकता है ऐसा, असलियत में शायद यही हो सकता है, मेरे दिमाग में नहीं आया अब तक कि भाई दीपक दलाल ने सोचा होगा रानू बीड़ी के मंडल को जब सब ट्रोल कर रहे हैं ये बकचोदी काटने में, तो मैं भी काटता हूँ, लोग मुझे भी ट्रोल करेंगे। लेकिन गाइस अगर ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है तो लड़की देखो गलत है, इसके भी दो थप्पड़ पड़ने चाहिए थे, इसके बाद इसके थप्पड़ मार दिया तो बिन बात। दोस्तों जो भी होना उससे मतलब नहीं है, हमें इस वीडियो में किन लोगों की तरह रहना है, इन दो लोगों की तरह, आग लगे भैन की मस्ती में, लेकिन तुम रहो अपनी मस्ती में। दुनियादारी आज मैंने बहुत सारी गाली दे दी ऐसे इस वीडियो में, बीप करते करते मेरी पट जाएगी। अरे देखो पिटाई हुई है दीपक दलाल की, तो तुम ना थोड़ा सा हल्के में लिया करो, जैसे तुम आए दिन इधर से उधर घूमने चले आते हो ना, ऐसी दीपक दलाल आए दिन इधर से उधर पिटने चला जाता है, इसलिए हल्के में लो। अरे मारपीट ही करनी है तो कमाल खान का खोपड़ा फोड़ो यार, कम से कम वो गंदे गंदे रिव्यू तो नहीं बनाएगा, देखने तो नहीं पड़ेंगे फिर वो। तो गाइस चलो फिर ये वीडियो हम इधर ही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक करो, और इस वीडियो पे हम लाइक गेम रखेंगे 1,00,000 लाइक्स का, ठीक है। लास्ट टाइम रखा था पूरा नहीं किया था, इस बार जरूर पूरा कर देना, ठीक। और अगर तुमने 1,00,000 लाइक कर दिया ना तो भाई तेज द्रोही देखूंगा अकेले कमरे में बैठ के, और बाद में जिंदा भी बाहर निकलूंगा, ठीक है। बाय, जा रहा हूं मैं, मॉन्टी रॉय का नया टिकटॉक वीडियो आ गया होगा। बदल ले भाई, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते ये सही बात नहीं है यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो कम से कम मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करो यार, कर लो भाई।